नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका नए व्लॉग में। इस नए व्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ये रही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सभी से ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए व्लॉग की। जी आप में से बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, बहुत क्या, इतने सारे कमेंट आए थे, इतने सारे मैसेज आए थे कि आप पूजा रुद्रा के साथ आप बातचीत करो। ये स्पेशली तब से डिमांड आना शुरू हो गया जब से हमने सचिन और मनीषा जी के साथ वीडियो डाला था। तो उसके बाद कहा कि ठीक है जी, चलिए हम लोग वीडियो लाते हैं इसके ऊपर, उनसे बातचीत करते हैं। तो उनसे बातचीत हुई, एक डेट फिक्स हुआ और हमने वीडियो बना भी लिया। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आई कि जिया का जो फोन है उसका मेमोरी फुल हो चुका था, तो वो हमने ध्यान नहीं दिया और स्क्रीन रिकॉर्ड तो है बीच में ही रह गया। लेकिन हाँ जी, तो वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया लेकिन ऑडियो था हमारे पास। तो जो हम दोनों की एक बातचीत हुई है तो उसी पर एक वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज देखिए आप लोग वीडियो को। तो बताइए कैसा एक्सपीरियंस है आपका अभी यूट्यूब पर? यूट्यूब पे अभी 2 स्टार्टिंग जी देखिए सब तो ऐसे ही शुरुआत करते हैं, हम लोग का भी बस वैसे ही चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अभी तक 25 व्लॉग डाले हैं, 50 व्लॉग आते हैं, लेकिन जब पहला व्लॉग देखते हैं और आज 25वां व्लॉग देखते हैं तो काफी अंतर दिखता है। तो वही उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ऐसे ही स्किल हम लोग का सुधरे इस पर। नहीं हो जाए, हो जाए, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। तो आप लोग सचिन मनीषा वाला देखे थे वीडियो कॉल? हाँ देखा था मैंने वीडियो, देखा। जब वो वीडियो डाले थे इतने सारे कमेंट आ रहे थे, पूजा रुद्रा के साथ भी करो, पूजा रुद्रा के साथ भी करो, तब आपसे हम बातचीत किए। उस टाइम ही बात हो जाती बट उस टाइम से कुछ पता नहीं, कुछ काम में पता था टाइम, हम लोग बैठ नहीं रहा था साथ में इस वजह से। अच्छा तो आप बताइए कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ज्यादा सही लगा? टिकटॉक पर भी काम किया, कितना साल काम किया आप लोग टिकटॉक पर? टिकटॉक तो मैं जब से म्यूजिकली था उस टाइम से ही, मतलब काम नहीं किया मैंने, उस समय से मैंने डाउनलोड किया था उसको। अच्छा बट मैंने काम नहीं किया था उस पे, वीडियो बना के छोड़ दिया था। और जब से हमारी एंगेजमेंट हुई थी, एंगेजमेंट पहले से हमने बनाना चालू किया था, कुछ वीडियो बनाना चालू किया था, और मेनली जनवरी के बाद 2020 जनवरी से हम लोगों ने बनाना चालू किया। अच्छा तो एंगेजमेंट से पहले कैसे बना रहे थे आप, पास में मिलकर या वीडियो कॉल वो रिकॉर्ड करके उसका स्क्रीन रिकॉर्ड वो सब? एंगेजमेंट के पहले मैं सिंगल बना रहा था, अपना सिंगल वीडियो बनाया जो अच्छा लगा, और ये छोटी सिद्धि जो जानते होंगे हाँ, उनके साथ वीडियो बना था। अच्छा और हमारा क्या था टिकटॉक के बारे में, जिया से ही मालूम चला है, जिया पहले से चलाती थी और ये उसमें स्लाइड शो डाला करती थी सारे फोटो का। और मैं प्राइवेट करके रखती थी। आप लोगों ने टिकटॉक तो हम लोग यूज किए हैं प्रॉपरली कहिए तो पिछले साल के दिसंबर से, हम लोग दिसंबर से स्टार्ट किए थे। जिया का क्या हुआ था कि एक वीडियो कॉल हम लोग का रिकॉर्ड की थी वो, और उस पर सॉन्ग लगाकर और वीडियो को अपलोड कर दिया, वो वीडियो चला गया वायरल, तो उसी के बाद से थोड़ा इंस्पिरेशन मिला हमको। तो हम पहले से ही सोशल मीडिया थोड़ा यूज करते रहे हैं, जैसे कि ट्विटर पर हम काम करते थे तो वहां पर मेरा ब्लू टिक भी लगा हुआ है, 28,000 फॉलोवर भी है, लेकिन वो था टेक्स्ट का फील्ड, वीडियो के फील्ड में जिया की वजह से आए। अच्छा जी, जो हम लोग सर बाहर रहते थे चंडीगढ़ में, तो हम लोग भी वो आपकी स्टोरी, पूरी स्टोरी का वीडियो बनाया हुआ था आपने। अच्छा साजी की कहानी है, उसकी पार्ट हमने देखा था, बहुत अच्छा लगा था देख के। चलिए थैंक यू, सब हम मतलब बराबर पौड़ियों में वीडियो आते थे आपके। अच्छा जी हाँ जी, आपका भी आता रहता था, और लगता है कि हम लोग का जो भी सेम कैटेगरी है, जैसे अमित जायसवाल और वो किट्टो जायसवाल वो थे, सचिन मनीषा हो गए, तो जो सब से हम लोग का वीडियो लगभग एक तरह का ही था, तो उन सब का फॉर यू में आ जाता था। तो चलिए जी और बताइए अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में, कैसा लग रहा है शादीशुदा होकर? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। अच्छा तो आपके जो शादी से पहले विचार थे शादी को लेकर के, शादी करने के बाद कितना चेंज हुआ है वो? नहीं चेंज तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा जाते जब हम ज्यादा नहीं बोल सकते, ज्यादा नहीं बोल सकते, आप तो समझते हैं। तो हमें ध्यान है
जब कभी कभी हम लोग अकेले बैठेंगे तो इस पर चर्चा होगी कभी मौका मिला तो बात है कि जो व्यूअर है थोड़ा सा बता दीजिए, अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो कुछ तो जानना चाहेंगे, थोड़ा बहुत अगर बता सकते हैं तो क्यों पिटवाओगे? वो कहावत नहीं है, जो जो खाए वो भी बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है, वही हालत है। ये बड़ा अच्छा लाइन बोले हैं आप। शादी का एक तरह से कह दीजिए कि समअप करिए, अगर समरी करिए तो सबसे अच्छा समरी है ये। हमें ध्यान है जब हम शादी के बारे में अपडेट किए थे अपने ट्विटर पर, तो सब में कमेंट, जो भी शादीशुदा लोग थे कमेंट कर रहे थे, भाई अभी सही समय नहीं है बात करने का, पहले एक साल दो साल होने दो, उस समय सही सिचुएशन रहेगा बात करने का, तब बात करेंगे हम लोग। आपका कॉल अगर इम्पोर्टेंट है तो ले लीजिए। हेलो, चलिए पूजा जी आप बात करिए, आप आपके और जिया के हवाले करते हैं। अच्छा जी, चलिए कोई नहीं, बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? इन लोगों के ताने सुन रहे, एक तो जिंदगी सुधार दी है, बोले कितना ताना देते हैं शादी को लेकर के, एक तो जिंदगी अच्छी खासी बना दी है। देखो वो पहले की लाइफ अब देखो आप और अभी की देखो। मेरे अंदर कहे तो पर्सनली बहुत सुधार आया शादी करने के बाद, हम एक नंबर के आलसी, टालने में माहिर, और ये जब से आई है पीछे पड़ी रहती है, ये काम करना है तो करना है, तो उसकी वजह से हो पाता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या है शादी के मतलब इस बात पे कि आपका क्या मतलब, आपका भी इसी अनुभव है क्या हमारे जैसा? बिल्कुल जी, सारी शादीशुदा जिन लोगों की तरह हमारा भी कुछ ना कुछ ऐसा ही अनुभव है, जो सब कुछ नहीं बताया जा सकता है लेकिन ये है बहुत सारे अच्छे चेंजेस भी आए हैं, और खराब में क्या बोलेंगे, खराब क्या आया है? कुछ नहीं आया जो भी है अच्छा ही है, कोई खराब नहीं है। हाँ जी, वो बस खाली ये है, खराब बोलोगे तो बगल में बैठे हैं। तो बताइए, आप लोग पहले YouTube पर किसी का देखते थे जो भी थे लाइफस्टाइल ब्लॉगर, किसी का ब्लॉग? और आपका तो देख रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब काफी अच्छा चल रहा है, इंस्टाग्राम पर हो गए आपके लाख शायद, देखे तो थे 90-96 बस, आज हो जाएंगे, आज हो जाएंगे रात तक। एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन आपको 100K के लिए, वाह जी सही है। और यहाँ क्या है, इंस्टाग्राम जिया संभालती है और यूट्यूब हम संभालते हैं, तो इंस्टाग्राम पर है लगभग 29,000 के समथिंग और यूट्यूब पर है अभी 26,000। तो हम लोग चैलेंज लगाए थे कि किसका किसके ऊपर फॉलोवर ज्यादा रहेगा, तो पहले यूट्यूब में हम लगभग 5,000 से लीड कर रहे थे, अचानक इंस्टाग्राम पर इतना रीच मिलना शुरू हो गया रील पर, अब तो नहीं मिल रहा। मुझे लग रहा है इंस्टाग्राम पर रीच मिल रहा है इसकी वजह से, इंस्टाग्राम रील की वजह से, रील पर अच्छा मिल रहा है, वीडियो पोस्ट कर रहे हो। हाँ, रील अगर अच्छा आपको जा रहा है तो आपको वहाँ से फॉलोवर आपको अच्छे आते हैं। बिल्कुल हाँ, रील पर अच्छा दिख रहा है। और आजकल एक्सप्लोर का पेज भी देखिए, जब जाएंगे इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर के पेज पर तो वहाँ देखेंगे रील का वीडियो सबसे ऊपर रखता है वो लोग। कंपटीशन होती है आप दोनों इंस्टाग्राम और यूट्यूब को लेके। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी कंपटीशन की वजह से थोड़ा सा मोटिवेटेड रहते हैं हम लोग कि नहीं डालना है वीडियो, ये करना है। और जब सर हार जाते हैं तो चॉकलेट नहीं मिलता, चॉकलेट नहीं मिलता, झूठ बोलेगी, नहीं दिए थे तुमको। जी हम लोग कटिहार से हैं। हाँ, जब भी आप लोग को नॉर्थ ईस्ट जाना हो, चाहे अरुणाचल, सिक्किम, असम, तो ये कटिहार होकर के ही सारी ट्रेन जाएगी। अच्छा, कटिहार होके जाएगी। एप्रोक्स यहाँ से कितनी दूरी हो जाती है यहाँ से, पटना से? पटना से लगता है 6-7 घंटा लगता है। अच्छा, तो कभी आइए इधर नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए। हमें कहीं प्रोग्राम बनाते हैं घूमने का, आप लोग भी आते कभी तो, कहीं नजदीक पे कहीं अच्छा प्लेस सर्च किया जाता है और आते वहाँ पे। रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्या? कुछ पार्ट लग रहा है मिस हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप दोनों में लड़ाई होती है? किसमें नहीं होती लड़ाई?
लड़ाई नहीं होती? हाँ होती है। अच्छा कभी कभी लड़ाई बोल सकते हैं उसको, थोड़ा गुस्सा होना मूड लोग झोंक और ये सब थोड़ा बहुत हो जाता है सब में, इतना तो सबसे पहले कौन मनाता है लड़ने पर? नहीं मनाने का तो पूजा गया, मेरे इधर भी उल्टा ही है कि हम थोड़ा सा शांत रहे, तो जब देखते हैं कि मामला थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है तो मामला को ज्यादा बढ़ने नहीं देते हैं, तो कोई एक इनिशिएटिव ले लेता है। नहीं ऐसा होना भी चाहिए, एक जगह मतलब ज्यादा गर्म हो रहा है, ठंडा हो जाना चाहिए मनाने से। अब आप आगे हैं यूट्यूब पर, तो किसी का ब्लॉग देखते हैं कुछ यूट्यूबर जिसका बताएंगे, जिसका आप ब्लॉग देखते हैं? असल में फ्लाइंग विस्ट का हम लोग भी देखते हैं, लेकिन साथ में और भी कई ब्लॉगर का देखते हैं कि कुछ शायद सीख पाए जो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाए। ऐसे देखने के लिए तो हम लोग जैसे जनरली सभी लोग का देखते हैं। आपका भी खुशी बटावन का। अच्छा जी थैंक यू। हाँ जी तो सबसे अच्छा आपको कौन सा ब्लॉग लगा, अगर आपको ध्यान हो हमारा कोई भी ब्लॉग? ऐसे तो सारे ब्लॉग हम लोगों को अच्छे ही लगते हैं कुछ। हाँ अच्छा अच्छा लगा। थैंक यू। कितने डरपोक हैं आप, कितने डरपोक हैं ना, बहुत ज्यादा डरपोक है जी। चूहा वो जो मेढक होता है, खास करके मिट्टी वाला मेढक, उसको देखकर तो भाग जाएंगे, नीचे रहेगा ना ऊपर भाग जाएंगे, इतने डरपोक हैं। उसके बाद वो छिपकली कॉकरोच और वो जो बरसात में वो निकल जाता है, आप लोग केचुआ बोलते होंगे शायद, हम लोग चाली बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं, इनको बहुत डर लगता है, हमें नहीं आता उतना। आप दोनों में से कौन है डरपोक? डरपोक हाँ इस मामले में, चूहा छिपकली ये सब देख करके मुझे भी डर, सबको डर लगता है, कोई पकड़ नहीं सकता, मैं भी नहीं पकड़ सकती। वाह जी अभी आप चूहा ला के दे दोगे तो भागेंगे। और आपकी आप तुम हो ही तो फिर हमको दिक्कत क्या, हमको चूहा थोड़ी पकड़ना है। चूहा पकड़ने के लिए एक ऐसे होने चाहिए ना कि पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे तो अच्छा। नहीं तभी अच्छी बात है कि कोई एक होना चाहिए जो थोड़ा सा ब्रेव हो इस मामले में। ठीक है जी ओके, तो आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। ये मेरा लाइव का डायलॉग है, जब हम लाइव अपना खत्म कर दें इंस्टाग्राम का तो यही बोलते हैं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बरसाते रहिए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी बाय। तो जी कैसा लगा आपको यह वीडियो, और सॉरी जी जो एक वीडियो नहीं डाल पाए, तो कोशिश करेंगे कि फिर कभी बातचीत होगी तो वीडियो कॉल पर भी बात करेंगे, और कभी कोशिश करेंगे कि एक बार मुलाकात भी हो जाए तो फिर साथ में शूट करेंगे। तो बताइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो जी मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय।